हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्या होता है? सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है? दूध सफ़ेद होता है, तो दूध से रिलेटेड है। सेकंड, काली क्रांति। अब आपको पता है जो कोयला होता है वो काले रंग का होता है, तो काले से काली क्रांति आ जाएगा। तीसरा है नीली क्रांति, मछली से रिलेटेड है। अब आपको पता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और पानी का रंग कैसा होता है? समुंदर में देखा होगा नीले रंग का पानी होता है, तो नीले से क्या आ जाएगा? नीली क्रांति आ जाएगा। फोर्थ हमारा है रजत क्रांति, कुक्कुट से रिलेटेड है। अब आपको पता है जो कुक्कुट है या मुर्गा जो होता है वो हमें रजा देता है, मतलब अगर हमें भूख लगी है, अगर हम मुर्गे को बना लें जैसा कि घरों में बनता है, तो वो हमें रजा देता है, हमारी भूख मिट जाती है, तो रजा देता से रजत आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है लाल क्रांति, टमाटर से रिलेटेड है। देखो टमाटर कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं, तो लाल क्रांति आ जाएगा। पीली क्रांति सरसों से रिलेटेड है। सरसों के फूल आपने देखे होंगे कैसे होते हैं? पीले कलर के होते हैं, पीले रंग के, तो पीली क्रांति आ जाएगा। नेक्स्ट है बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। देखो बादाम खाओ, बॉडी बनाओ और अपने बैरी को मसल के रख दो। सीधी सी बात है, आपको पता है बॉडी कैसे बनती है? बादाम खाने से। और बॉडी बन जाएगी तो आपका जो दुश्मन होगा उसको आप मसल के रख दोगे, तो मसल से क्या आ जाएगा? मसाला आ जाएगा। लास्ट है सुनहरी क्रांति, बागवानी। आपको पता है जब भी बागों में हम जाते हैं, पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे सुनहरे सुनहरे फूल खिले होते हैं, तो सुनहरे सुनहरे से सुनहरी आ जाएगा और बागों से आ जाएगा बागवानी। तो यहाँ से आपको ये क्रांतियाँ याद हो जाती हैं। थैंक यू।